मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट ने सजा सुना दी है। दोषी करार दिए जाते ही एक आरोपी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी मुझे दोषी करार दिया गया है। जज ने कहा कि इससे बड़ी अदालत में अर्जी दाखिल करने की पूरी छूट है, वह वहां एक बार फिर अपने केस की सुनवाई करवा सकता है। इन सबके बाद एक और दोषी करार महिला रोने लगी। वहीं अदालत में 20 मुजरिमों में से कुल 19 मुजरिमों को दोषी करार दिया गया है। ब्रिजेश ठाकुर को बलात्कार और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के तहत दोषी करार पाया गया है। ब्रिजेश ठाकुर को बलात्कार और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान के तहत दोषी पाया गया है और एक दोषी को इस आरोप से बरी कर दिया गया है। सजा पर अब 28 जनवरी को कोर्ट में बहस होगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बलात्कार मामले में करीब 7 महीने बीत जाने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साथ ही मुख्य आरोपी समेत बाकी के आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने इन लोगों को बलात्कार और साजिश के आरोपों के तहत दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ की ओर से संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा होने के बाद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस देश भर की नजरों में आ गया था। उस समय इस मामले में शेल्टर होम की संचालिका पर भी सवाल उठ रहे थे।